किसी भी समाज या देश का अंत करना हो तो तरीके अलग अलग अपनाए जाते हैं। कमजोरों को बल द्वारा हराकर, मूर्ख को बुद्धि द्वारा हराकर, और अगर बात भारत की आती है तो आक्रमणकारियों द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? वो नीति थी विश्वासघात की, षड्यंत्र की। यही तो चाहते थे वो आक्रमणकारी मुगल और ब्रिटिश की भारतीय अपनी संस्कृति से और उसकी महानता से दूर हो जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें गुरुकुलों से दूर कर दिया, वैदिक विद्यालयों व पुस्तकों से दूर कर दिया, ग्रंथों से व गौ से दूर कर दिया और जहर पिलाना शुरू किया। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस संस्कृति का वो अंत करना चाहते हैं उस सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, यानी सदा बने रहने वाला। इस वीडियो में आपको एक और सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर का वीर जाग सकता है। इस कहानी का समय था सन 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेकों इलाकों में कहर बरपाया था। उसका सबसे कड़ा विरोध उदयपुर के राजा ने किया, परंतु कुतुबुद्दीन ने धोखे से राजकुंवर को बंदी बना लिया और राजकुंवर को और उनके घोड़े शुभ्रक को बंदी बनाकर अपने साथ लाहौर ले गया। एक दिन राजकुंवर ने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। इस पर जालिम कुतुबुद्दीन ने उनका सिर काटने का हुक्म दिया। अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए उसने कहा कि हम लोग बुजकशी खेलेंगे। बुजकशी पोलो खेल का ही एक रूप था जिसमें बकरे को मारकर उसे लेकर घोड़े पर भागते हैं। जो उसे लेकर मंजिल पर पहुंचता है वो जीत जाता है। कुतुबुद्दीन ने राजकुंवर के सिर के साथ बुजकशी खेलने का समय निश्चित किया। कुतुबुद्दीन ने इस काम के लिए अपने लिए घोड़ा भी राजकुंवर का ही शुभ्रक चुना। कुतुबुद्दीन शुभ्रक पर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचा। राजकुंवर को भी जंजीरों में बांधकर वहां लाया गया। राजकुंवर का सिर काटने के लिए जैसे ही उनकी जंजीरों को खोला गया, उसी समय स्वामी भक्त शुभ्रक के खून में उफान आ गया और उसने कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर कई बार प्रहार किए। कुतुबुद्दीन वहीं पर ढेर हो चुका था। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, राजकुंवर शुभ्रक पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उनका पीछा किया मगर वो उनको पकड़ न सके। हवा की गति से शुभ्रक कई दिन व रात लगातार दौड़ता ही रहा और अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के महल के सामने आकर ही रुका। वहां पहुंचकर जब राजकुंवर ने उतरकर शुभ्रक को पुचकारा तो वो मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहा। शुभ्रक मर चुका था। सर पर हाथ फेरते ही उसका निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। ये थी वीर शुभ्रक की कहानी। अब आप ही सोचिए हमें क्या पढ़ाया जाता है। कुतुबुद्दीन की मौत पोलो खेलते हुए हुई थी ये तो हमें पढ़ाया गया, लेकिन किस तरह से हुई इस बारे में सिर्फ फारसी लेखकों ने ही अपनी किताबों में लिखा है, और हमें तो पढ़ाया गया कि अंग्रेज महान थे, मुगल महान थे, लेकिन जो सच में महान थे उनके बारे में आज का युवा सुनना भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो अपनी संस्कृति से दूर हो चुका है। अगर आप दिल्ली घूमने गए हैं तो आपने कभी कुतुब मीनार को भी जरूर देखा होगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ गुलाम था। मोहम्मद गोरी भारत पर कई हमले कर चुका था मगर हर बार उसे हारकर वापस जाना पड़ा था। कुतुबुद्दीन की रणनीति के कारण ही मोहम्मद गोरी तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा और अजमेर व दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। अजमेर पर अपना कब्जा होने के बाद मोहम्मद गोरी ने एक भव्य मंदिर की तरफ इशारा करके कुतुबुद्दीन से कहा कि 3 दिन में इसकी जगह पर मस्जिद बनाकर दो। तब कुतुबुद्दीन ने कहा कि आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं यह काम 2.5 दिन में करके दिखा दूंगा। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन में मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। आज भी यह जगह 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा ही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन हसन निजामी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजुल मसीर। उसने कुतुब मीनार के आसपास 27 मंदिरों को तोड़कर बनी मस्जिद कुवतुल इस्लाम के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई जाने का जिक्र तो किया, परंतु हैरानीजनक बात है कि उसने कुतुब मीनार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। दरअसल जिसे कुतुब मीनार कहते हैं वो महाराजा वीर विक्रमादित्य की वैधशाला थी, जहां बैठकर खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का अध्ययन कर भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत का आविष्कार किया था।
यहाँ पर 27 छोटे छोटे भवन यानी कि मंदिर थे जो कि 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे और मध्य में विष्णु स्तंभ था जिसे ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता था। दिल्ली पर अपना कब्जा करने के बाद कुतुबुद्दीन ने उन 27 भवनों को तोड़वा दिया, किंतु विशाल विष्णु स्तंभ को तोड़ने का तरीका समझ न आने पर उसने उसे तोड़ने के बजाय उस पर अपना नाम दे दिया और उसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। चाहे आज झूठ प्रसारित हो चुका है मगर मंदिर के अवशेष तो आज भी वहीं पर हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।